नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने मैं रंजय कुमार एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने काफी सारे अपने वीडियोस में एक्टिंग की बातें मैंने की हैं और बॉलीवुड की बातें की हैं, तो बॉलीवुड में किस तरह से निपोटिज्म चलता है ये मैंने आपको बताया, और अगर बॉलीवुड में मतलब एक्टिंग फील्ड में अगर आपको बहुत ज़्यादा फेमस होना है, अच्छा एक्टर बनना है, तो आपको क्या क्या करना होगा, मतलब किन लोगों को बॉलीवुड में काम मिलता है या मिल सकता है, इन चीज़ों की मैंने आपको जानकारी दी है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपने जो थंबनेल में पढ़ा है ये बिल्कुल सही पढ़ा आपने। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक सच्चे होते हैं और एक झूठे होते हैं, एक गलत इंसान होता है एक सही इंसान होता है। दोस्तों बचपन से ही मैंने सुना है कि अगर एक अच्छा एक्टर बनना है तो आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा। जो अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा एक्टर कैसे बन सकता है, मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छा इंसान ही लोगों की संवेदनाओं को समझ सकता है, लोगों की भावनाओं को समझ सकता है। अगर एक कोई बुरा इंसान है, बुरा इंसान या बुरे लोग कौन होते हैं, बुरे लोग वे होते हैं जो दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते, मतलब उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं और उन्हें तकलीफ देना चाहते हैं और तकलीफ देते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने 100% की बात कही है, लेकिन आज मैं आपको 1000% की बात कहूँगा। दोस्तों बॉलीवुड हो या आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों, कोई भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या आपके आम जीवन में आप जिस तरह से जी रहे हैं, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आप सच के पक्ष में हैं या झूठ के पक्ष में हैं, अच्छे के पक्ष में हैं या गलत के पक्ष में हैं। और 1000% की बात यह है दोस्तों कि जो सच होता है उसकी जीत पहले ही तय हो जाती है। अगर आप सच बोलते हैं दोस्तों और आप सच के साथ होते हैं, सच के पक्षधर हैं, मतलब सच के साथ ही आप हमेशा रहते हैं, ना कि झूठ और गलत के साथ, तो आपकी जीत निश्चित पहले ही हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो सच है वही सर्वोपरि है, सच से ही दुनिया टिकी है और सच से ही जितने भी काम हम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर पा रहे हैं। जो झूठ होता है, जो गलत होता है, जो गलत इंसान होते हैं और जो झूठे लोग हैं और जो झूठ के पक्ष में होते हैं, जो लोग गलत करते हैं, उनकी हार पहले ही तय हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमेशा जीत सच की होती है, इसीलिए अगर आप सच्चे दिल से अच्छे कर्म अगर करते रहेंगे तो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में आप सफल होंगे, आप अपने आम जीवन में सफल होंगे। तो सच के साथ रहें दोस्तों, जो सच के साथ होता है उसकी जीत निश्चित होती है। दोस्तों देर सवेर तो हर चीज़ों में होती है, लेकिन अगर आप सच के साथ हैं और ठीक ढंग से सही रास्ते पे आप अपना कर्म कर रहे हैं तो सफलता मुश्किल भी नहीं है और आप अपनी मंजिल को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। इसलिए सच के पक्षधर हों, सच के साथ रहें। आप बॉलीवुड में अभी न्यूज़ में देख रहे हैं, मैंने काफ़ी बार आपको कहा है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में सफल होना है तो जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री काम करती है उस हिसाब से आपको काम करना होगा, और मैंने दोनों पक्ष रखे थे। दोस्तों मैंने अपने बारे में भी आपको कहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, और शायद यही एक वजह है कि आज 15 साल में भी मैं बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पता है, आई एम वेरी मच श्योर डैट आई विल गेट माई टारगेट, आई विल गेट माई गोल, आई विल अचीव माई गोल। यस फ्रेंड्स, तो न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि एक बॉलीवुड माफिया है, ड्रगिस्ट हैं, और एक साइड में सच के पक्ष में अर्णव गोस्वामी, कंगना रनावत और बहुत सारे लोग हैं। तो काफ़ी टाइम से जब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि किस तरह से बॉलीवुड काम करती है, और मैं इन्हीं चीज़ों को अवेयर आपको काफ़ी टाइम से मैं कर रहा हूँ, और मैं सच्ची जानकारी, अच्छी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है वो बहुत ही लक्की हैं, क्योंकि जो बॉलीवुड में गंदगी है और गंदगी थी वो सबका सफाया हो रहा है दोस्तों।
जी हाँ। तो दोस्तों सच के साथ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।